कैसे हो आप? आज मैं आपको कुछ क्रिएटिव दिखाने वाली हूँ। आज मैंने कैरी किया हुआ है ये क्ले का इयररिंग्स, जो आप देखिए मेरा क्ले का इयररिंग्स है। इसके साथ ही मैंने कैरी किया हुआ है क्ले का ये नेकलेस। तो अब आप देखिए मैंने ये किस तरीके से कहाँ से ऑर्डर किया, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ, इसकी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस तरीके से मेरे साथ और मेरे साथ इस क्ले ज्वेलरी के का रहस्य जानिए। तो बताती हूँ मैं आपको इसका रहस्य। ये क्ले ज्वेलरी जो है वो मैंने कहीं से बाय नहीं किया है, कहीं से ऑनलाइन बाय नहीं किया है, ना किसी तरीके से किसी और के थ्रू मंगाया है इसको। ये केवल मेरा खुद हैंडमेड क्ले ज्वेलरी है। जैसा कि आपको पता ही है मेरा क्रिएटिविटी चैनल है, तो मैं कुछ ना कुछ नया नया क्रिएटिव करती ही रहती हूँ। तो आज मेरे मूड में आया कि चलो कुछ नया बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, क्योंकि हर तरह की ज्वेलरी हमको मार्केट में मिल जाती है, बट कुछ हम यूनिक ऐसा बनाना चाहें जो हमारे साथ हमारे हर ड्रेस पर कैरी कर सकें हम, जिसे तो इसे हम खुद भी बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ इसको देखिए और मेरा ज्वाइन कीजिए कि मैंने किस तरीके से बनाया है ज्वेलरी। इसके साथ ही मैंने ये पेयर किया है, इयररिंग्स को पेयर किया हुआ है। तो देखिए इस ज्वेलरी को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था, मेरे दोस्तों को भी इसको मुझे गिफ्ट करना था। तो मैंने अब जब अपने दोस्तों को गिफ्ट किया तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। तो आप भी देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, बहुत ईजी है ये ज्वेलरी बनाना, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजीली आप भी बना सकते हो हर कोई। हालांकि एक बच्चा भी बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको गाइड करने की जरूरत है। तो आइए देखिए मैंने किस तरीके से बनाई है। इसके लिए मैंने केवल एक टेराकोटा पाउडर का यूज किया है, सिरेमिक पाउडर होता है जो, उसको उसके साथ मैंने थोड़ा फेविकॉल यूज किया, फेविकॉल के साथ थोड़ा वाटर यूज किया, उसके साथ उसको एक सॉफ्ट क्ले का रूप दिया। और उसके बाद पूरा प्रोसेस आप मेरे साथ देखते रहिए। और मैंने फर्स्ट क्ले ज्वेलरी ट्राई किया है मैंने। डिजाइन में आप पेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत से कार्विंग डिजाइन रेडी कर दी है अपने उसकी, और ये मेरी पेंटिंग स्टार्ट हो गई है। अब पेंटिंग स्टार्ट होने के बाद मैं इसको किसी भी कलर को यूज करके डिफरेंट वाइब्रेंट कलर यूज कर सकते हैं। अच्छा, कलर के लिए मैंने क्या यूज किया है, कलर के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है। आप चाहें इसमें तो फैब्रिकल एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं, आप ग्लिटर कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्रेलिक बेस होना उनका जरूरी है। तो ये देखिए मेरे डिफरेंट कलर के और डिफरेंट वाइब्रेंट कलर में मैंने सारे अपने ज्वेलरी को पेंट किया है। और यहाँ देखिए मेरी सारी पूरी ज्वेलरी रेडी हो गई है। मेरे 8 दोस्तों के लिए 8 टाइप की ज्वेलरी रेडी हो गई है, जहाँ मैंने डिफरेंट शेप्स का यूज किया है और वाइब्रेंट कलर का यूज किया है। अब मेरा इनमें धागा डालना बाकी रह गया है, तो मैं इनको धागे डालने के बाद तैयार करने वाली हूँ। अब देखिएगा मेरी धागा डालने के बाद मेरी कैसी ज्वेलरी तैयार हो गई है। और उसके बाद आप देखिएगा मेरे दोस्तों के चेहरों पर जो खुशी आई है, उस खुशी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
ये मैंने सिरेमिक का ज्वेलरी बनाया हुआ है। सिरेमिक पाउडर को जो मेरे घर में रखा हुआ था और पहले से किसी और पर्पज से ला के रखा हुआ था मैंने सिरेमिक पाउडर, तो मैंने उसका यूज करके ये मैंने ज्वेलरी बनाया है। आगे दिखाया ये मैंने किस तरीके, आपने पूरा प्रोसेस देखा मैंने किस तरीके से भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो ज्वेलरी, बहुत सी डिजाइन आप किसी भी तरीके से आप डिजाइन डिफरेंट डिजाइन में इसको बना सकते हो। तो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ नए नए वीडियो के लिए इसी टाइप के क्रिएटिव वीडियो के लिए। तो बाय दोस्तों।